बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद हम आशा रख सकते हैं कि आपके एक्सेस बॉडी वेट का 70-80% वजन कम हो सकता है। आइडियल बॉडी वेट यानी कि उचित बॉडी वेट से ऊपर आपका जितना भी वजन है उसको हम एक्सेस बॉडी वेट बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति का आइडियल बॉडी वेट उनके हाइट से कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए एक उदाहरण से आपको ये सारी चीज समझाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी व्यक्ति की हाइट 5 फीट 6 इंच है यानी कि 165 सेंटीमीटर है तो उस व्यक्ति का आइडियल बॉडी वेट 60 से 68 के बीच में होना चाहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति का जितना भी वजन 68 केजी से ऊपर है उसको हम उस व्यक्ति का एक्सेस बॉडी वेट बोलते हैं। मानिए ऐसे किसी व्यक्ति का वजन सच में 110 किलोग्राम है तो कैलकुलेशन के हिसाब से उस व्यक्ति का एक्सेस बॉडी वेट 42 यानी कि 42 किलोग्राम होता है। और बेरियाट्रिक सर्जरी से हम ये आशा रख सकते हैं कि उस व्यक्ति का वजन 42 किलोग्राम का 70-80% यानी कि करीबन 30 से 35 किलोग्राम कम होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति अगर बेरियाट्रिक सर्जरी करवाता है तो उसका वजन 110 किलोग्राम से कम होते हुए 70 से 75 के बीच में आके रुकेगा, ऐसी हम आशा रख सकते हैं। ये पूरा 30 से 35 किलोग्राम का वेट लॉस होने में करीबन 12 महीने से 18 महीने यानी कि करीबन 1 से 1.5 साल का समय लगता है। और जो भी हमारा एक्सपेक्टेड वेट लॉस है उसका करीब 50% यानी कि टोटल हमारा एक्सपेक्टेड वेट लॉस का करीबन आधा वेट लॉस शुरुआती 3 से 4 महीने में होता है। जनरली शुरुआत के 3 से 4 महीने में वेट लॉस काफी तेजी से होता है जिसके बाद में वजन कम होने की स्पीड गति कम हो जाती है और वजन तब तक कम होता है जब तक कि हमारा एक्सपेक्टेड वेट लॉस अचीव नहीं हो जाता। ये पूरे वेट लॉस के जर्नी के बीच में कभी कभार बीच में 1 या 2 महीना ऐसा हो सकता है कि वेट स्टेबल हो जाए, वेट लॉस स्टॉप हो जाए, वेट प्लेटू हो जाए और फिर धीरे से वजन कम होना शुरू हो। तो बीच में अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो वो कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, कारण होते हैं जो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद टोटल कितना वजन कम होता है और कितनी तेजी से वजन कम होता है उसको प्रभावित करते हैं। आइए ऐसे कुछ कारणों को समझते हैं। सबसे पहला है एज। बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने वाला व्यक्ति जितना कम उम्र का होता है, युवा होता है, उतना हम ज्यादा वेट लॉस का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और ऐसे व्यक्ति में वेट लॉस ज्यादा तेजी से होता है। दूसरा फैक्टर है जेंडर, यानी कि बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने वाला व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है। आमतौर पर स्त्रियों में टोटल वेट लॉस ज्यादा होता है और ज्यादा तेजी से भी होता है। इसका कारण है कि पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों में ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होता है और मसल मास कम होता है। तीसरा फैक्टर है व्यक्ति का एक्टिविटी लेवल यानी कि कार्य क्षमता और कार्य की पद्धति। जनरली जो युवा व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका BMI बहुत ही एक्सट्रीम नहीं होता है, उम्र की वजह से, ओबेसिटी की वजह से या अन्य वजहों से ज्यादा मेजर मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसे सारे व्यक्तियों में ओवरऑल एक्टिविटी लेवल ज्यादा बेहतर होता है बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद। और वेट लॉस के साथ में ऐसे व्यक्तियों में एक्टिविटी लेवल काफी बेहतर तरीके से सुधरता है। और ये सारे फैक्टर्स टोटल होने वाले वेट लॉस को और हेल्थ इंप्रूवमेंट को पॉजिटिवली प्रभावित करते हैं। इससे विपरीत ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति, वृद्ध मरीज और ऐसे पेशेंट्स जिनको ओबेसिटी के साथ साथ में अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स भी है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स है, जोड़ों का दर्द है, बैक पेन है, ऐसे सारे व्यक्तियों में ऑपरेशन से पहले भी ओवरऑल एक्टिविटी लेवल कम होता है।
और बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद अच्छे वेट लॉस के साथ में भी एक्टिविटी लेवल और कार्यक्षमता बढ़ने का एक लिमिट रहता है, जो उनके स्वास्थ्य में सुधार को थोड़ा बहुत प्रभावित करता है। इसके अलावा हम कौन सी सर्जरी चुनते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी में से, क्या हम स्लीव गैस्ट्रेक्टॉमी कर रहे हैं या गैस्ट्रिक बाईपास कर रहे हैं, और दोनों ही सर्जरी में सर्जरी की कुछ तकनीकी फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं, तय करते हैं कि ओवरऑल वजन में कमी कितनी होगी और कितनी तेजी से होगी। ये सब के बावजूद एक चीज तय है कि मेदस्वी और ओबेस व्यक्तियों में बेरियाट्रिक सर्जरी काफी ज्यादा और काफी अच्छा वेट लॉस करवाने की क्षमता रखता है, उतना वेट लॉस उतनी वजन में कमी जो व्यक्ति को स्वास्थ्य और जीवन स्तर, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफी अच्छा सुधार देती है। दूसरी एक चीज है कि कम हुए वजन को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कोई एक्सट्रीम मेजर्स, कोई आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट्स रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई विशेष डाइट की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा या एक्सट्रीम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होती है, और एक नॉर्मल हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल से आप वेट लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमें एक हेल्दी और स्वास्थ्यप्रद डाइट और लाइफस्टाइल की आवश्यकता नहीं है। हम हमारे सारे मरीजों को विशेष रूप से ये सलाह देते हैं, जोर करके ये सलाह देते हैं कि आपको बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद में भी, अच्छे वेट लॉस मिलने के बावजूद भी, एक हेल्दी और स्वास्थ्यप्रद आहार की जरूरत है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए और अपने रूटीन लाइफ में कुछ बेसिक लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखना चाहिए। आशा रखता हूं कि बेरियाट्रिक सर्जरी से कितना वेट लॉस और क्या उम्मीद आप रख सकते हैं उसकी आपको थोड़ी सी समझ मिली होगी। इसके अलावा आप कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको गाइड करने में, मदद करने में हमें बेहद खुशी होगी।